चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई हम वोट देंगे एक रबुआ जी को, साफ है बात। लेकिन सांसद मनोवर हसन जो था वो मेरे से ऐसे बात करता था जैसे आप करते हो। किसान आंदोलन है, महिला पहलवान है, कुछ फर्क नहीं है। देखो ऐसा है कि मतलब कि हिंदुत्व के हिसाब से वहाँ मतलब कि बीजेपी आ जाएगी। हिंदुत्व वोट करेंगे यहाँ तो हिंदू कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम ही कराधान को वोट देंगे भाई। सकल नहीं दिखाता हिंदू को, क्या कर लेंगे ऐसे हिंदू का बता। मैं यहाँ खड़ा होगा, प्रदीप चौधरी को फोन करूँ, यहाँ खड़ा दरोगा मैं कहने के मेरा फोन ही नहीं उठा रहा दरोगा। अच्छा ऐसे सांसद हैं वे। अच्छा रोजगार और महंगाई की क्या स्थिति है इस रोजगार महंगाई तो है, बिजली का बिल ये सबसे बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। जिस तरह लेडीज दुखिया हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इस तरह लेडीज भी अपना काम करना बंद कर देगी और खिलाड़ी है बहुत से है ये कहाँ पे जाएंगे। क्या सारी दुनिया के चोर हो रही पार्टियों में, बीजेपी में कोई चोर नहीं, कोई पकड़ेगा आज तक बीजेपी का? क्यों हुआ ऐसा? शीशे में आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कैराना लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं, 19 अप्रैल को यहाँ पे जो है पहले चरण का मतदान है। प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इंडिया गठबंधन से अगर हम बात करें तो इकरा हसन को टिकट मिला है, वहीं प्रदीप चौधरी को भाजपा से दोबारा से टिकट मिला है। तो हम अभी जिंजाना क्षेत्र में हैं, यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनका क्या मानना है, क्या उनको चुनाव में लग रहा है। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा तो वोट नहीं है, मेरे तक नहीं। नाम बताओ? शिवा। अच्छा कहाँ से हो भाई? यहीं से ही हो, जिंजाना से। जिंजाना से तो चुनाव आ रहे हैं, लगभग 10 साल सरकार को हो लिए, बाकी क्या लग रहा है चुनाव में, कौन ज़्यादा मजबूत है? चुनाव में तो भाई सभी मजबूत है वैसे तो, दोनों टक्कर की टीम है वैसे तो। अच्छा कौन कौन टक्कर में लग रहा है? प्रदीप चौधरी और इकरा हसन दोनों ही है। अच्छा दोनों टक्कर में। जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। का नाम? सरफराज। अच्छा हम यहाँ घूम रहे थे इलाके में चुनाव को लेकर, तो चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस बार? ठीक है सर। क्या ठीक है? दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट है और ने भी नामांकन कर रखे, इकरा हसन है, प्रदीप चौधरी है, तो कौन ज़्यादा मजबूत लग रहा, कौन काम कर सके आपके? नहीं काम तो देखो क्या के देख रहे हैं, काम तो चल ही रहा, सभी काम कर रहे ठीक है। रही चुनाव की बात, चुनाव की तो ऐसी बात है जो भी कैंडिडेट यही करा रहे हैं ये भी मजबूत हैं, प्रदीप चौधरी वो भी मजबूत है, सभी मजबूत है कैंडिडेट ठीक है। आने वाले वक्त बताएगा क्या मामला बनेगा। नहीं जैसे भाई एक आम आदमी दुकान चला रहा है, महंगाई का भी असर होता है, तो क्या महंगाई किस तरीके से बढ़ी है और बचत किस तरीके से हो रही है इस बार? एक जो देखो फिलहाल तो काम नहीं है, महंगाई की भी देखी जाए काम नहीं है सर, बस काम खत्म, काम ढीले चल रहे कुछ तो रमजान का। अच्छा ठीक है, अभी तो बाद काम चालू हो जाएगा, बस सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। अच्छा जैसे ये हाईवे बना है ऊपर को फ्लाई ओवर बना दे, तो आपका काम कितना इफेक्ट हुआ है? 60%। अच्छा 60% खत्म हो गया काम। 60% गाड़ियाँ ऊपर से गुजर जाती है? बस बस सब ग्राहक जो जाने वाले हैं ना वो ऊपर से गुजर जाए, लोकल का गाहक रहता है सिर्फ यहाँ, ठीक है। काम तो बिल्कुल डाउन चल रहा काम की तो। अच्छा सांसद है प्रदीप चौधरी थी, कितनी बार इस क्षेत्र में आए हैं और विकास किया है, कुछ किया है सर इस बारे में? तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा देखा है वैसे प्रदीप? हाँ, ये देखा देखा है दरबार। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार, क्या कौन सा प्रत्याशी मजबूत रहेगा भाई? मुझे नहीं पता, मैं राजनीति में कम रहूँ। अच्छा राजनीति में कम रहो, वैसे क्या काम करो? खेती करूँ भाई। अच्छा खेती करो, तो खेती में किस तरीके का बदलाव आया 10 सालों में, क्या रहा? ठीक है, पेमेंट सही मिल रहा? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा सच्ची सी बात तो है, यहाँ प्रदीप जीतता का। अच्छा क्या क्यों ऐसा क्यों लग रहा आपको? अरे वो आदमी ठीक है, काम करे। अच्छा। जो चाह सबकी समस्या सुने। यहाँ तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं सुनने में भी आ रहा कि भाई प्रदीप चौधरी ला के मारते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खूब आवे सबके। अच्छा। दुख सुख में सबकी समस्या हल करे। अच्छा। जो भी हो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? जयविंद्र कुमार। अच्छा यहाँ चुनाव के बारे में घूम रहे हैं हम, पता कर रहे हैं भाई क्या लग रहा है चुनाव का, 24 का चुनाव आ रहा, कौन जीत रहा है? हम तो मोदी जी के फैन है। अच्छा क्यों मोदी जी के फैन हो रहे? मोदी जी के फैन है बस। फैन हो, कुछ काम हुए क्या हुए, कुछ काम बताओ। अच्छा है मोदी जी का व्यवहार? अच्छा व्यवहार बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा कोई मेहरबानी, कहीं घूमो कहीं आओ कहीं जाओ कहीं नहीं, कोई लेडीज कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तुरंत फोन मारती पुलिस प्रशासन का। अच्छा लेकिन हाथरस में जो हुआ है, हाथरस में लड़की के ऊपर जो लड़की को जला दिया गया था रेप करके, उसके बारे में जानकारी है? उसमें तो फांसी की सजा होनी चाहिए ना, तो मतलब जब सरकार इतनी मजबूत है तो क्यों ये चीज़ें हो रही है? मणिपुर का दंगा आज तक नहीं रुका भाई, वो तो सरकार रोकेगी, बता हम तो रोक नहीं सकते। अच्छा हाँ, बाकी आप प्रदीप चौधरी और इकरा में से किसको पसंद ज़्यादा कर रहे भाई? हम तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट को नहीं? कैंडिडेट
प्रदीप तो फिर अपना भी है जब कहना मोदी जी से कहते हैं सलूट मारना पड़ेगा। अच्छा, रोजगार और महंगाई की क्या स्थिति है रोजगार महंगाई तो है, बिजली का बिल ये सबसे बड़ा गड़बड़ हो रहा मामला, बिजली का बिल में सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, तो महिलाओं के लिए क्या हुआ क्या नहीं? हमारे हिसाब से सब सही चल रहा है, हमारे हिसाब से सब सही है, सही चल रहा। महिलाओं के लिए काम हुए कुछ? बस इस बारे में तो पता है, महिलाओं को पता है बहुत काम हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या हुए वैसे? काम हो रहा है, वोट कहाँ दोगे वैसे? वोट तो बन गई होगी। हाँ, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, मोदी जी को दे रहे हैं। दे रहे क्यों पता नहीं? नहीं दे रहे, सुरक्षा है। अच्छा। लेडीज सुरक्षित है, अपना घूम रो, कहीं घूम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और महिला पहलवानों के साथ दो स्थिति हो रही है, उसको आप कैसे देखते हो? ये तो सरकार डिपेंड करेगी ना अपने आप से। नहीं, जनता की भी सुननी चाहिए ना, तो नहीं भाई जनता की नहीं सुननी, जनता की भी जरूरी है सुननी। लेकिन आरोप बीजेपी सांसद पर है, ब्रजभूषण सिंह पर, गलत है सही है? गलत भी है जी यार, बीजेपी की कोई गलती नहीं है इसमें, और सरकार की भी नहीं तकरी है। नहीं, सांसद जो है वो बीजेपी का सांसद है, बीजेपी उत्सर्णु जो भी गलत है उसको, तो गलत तो गलती है जी। पर आज तक वो आज तक जेल ही नहीं गए ब्रजभूषण सिंह, जाने चाहिए वो महिला पहलवान। आपको पता होगा, आपको आप ज्यादा जानते हो, धरने पर जाने चाहिए वो, जिस तरह लेडीज दुखी है वो, अब तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस तरह लेडीज भी अपना काम करना बंद कर देगी, और खिलाड़ी है बहुत से है, ये कहाँ पे जाएंगे? बाबूजी नमस्कार, इनसे करो बात, ये तो होगी 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 आप बता दो अपनी थोड़ी सी, क्या लग रहा चुनाव में? चुनाव का पहली बात, मुझे यहाँ का कुछ रुझान का नहीं पता, ठीक है ना, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, हरियाणा से? हाँ, हरियाणा में क्या लग रहा है? तो हरियाणा में तो बीजेपी है। अच्छा, एक तरफा? एक तरफा किसान आंदोलन है, महिला पहलवान है, कुछ फर्क नहीं है? देखो ऐसा है कि मतलब कि हिंदुत्व के हिसाब से वहाँ मतलब कि बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, हिंदुत्व मतलब थोड़ा सा बताइए, कैसे हिंदुत्व का मतलब कि हिंदुवाद पे? अच्छा, हिंदुवाद पे आ रही है। हाँ, बाकी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे कोई मुद्दे है नहीं है? ठीक है, ठीक है, बाकी मतलब एक वो एक ही मुद्दा वही है, उस पे आएगा जी। भाई साहब आपका नाम? गौरव। कहाँ से हो? ऊन से। अच्छा, ऊन से। क्या करो वैसे भाई? धक्के कह रहे अपना नौकरी की उसमें। अच्छा, नौकरी में? हाँ, नौकरी तो लिखट गई, अग्निवीर आ गया, यूपी पुलिस की नौकरी लिखट गई। उस तो बढ़िया था, मजदूरी कर लग्निवीर तो बढ़िया, चार साल अपने घरों आना। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने युवाओं के इतना काम करते, 2 करोड़ नौकरियां दे दी, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं है कहीं, कुछ नहीं। वो 6-7 साल में युवा पुलिस की लिगड़ी वहाँ कैंसिल कर दी, चाल तीन किया कैंसिल करने की, नौकरी नहीं देनी। कह तो रहे 6 महीने बाद फिर करवाओगे, देख लो कैसे होगी। मुझे भरा था आपने भी? हाँ भरा था। कहाँ दे गए थे? शाम लिया। कितना खर्चा होगा टोटल भरने में, फार्म में, परेशानी, कोचिंग? कोचिंग होली हो गए 5-7 हज़ार रुपये। अच्छा, कितने साल से मेहनत कर रहे थे इस भर्ती का आने वाली है? जब तक 12वीं कर रही थी, जब तक कर रहे थे 18वीं 12वीं करी थी, 2 मिनट लगे कैंसिल हो गया, हो गया बस। आप क्या लगे आ जाएगी और भर्ती? लग नहीं रहा। 2 मिनट कहाँ जबरदस्ती करवाया, धरने पड़ने दे कर करवाया गया, ट्विटर कैंपेन करवाया गया। अच्छा, ऐसे तैसी करवाई जाग तो ना अपनी मासी जी भी जाएगा कैंसिल करा आयु। सांसद जी की, प्रदीप चौधरी जी की, यू रोड मेरे हिसाब से हम छोटे से थे, जब तक मना लग रहा आयु और आज लो नहीं बना। अच्छा भाई, हम वोट देंगे एक रबुआ जी को, साफ है बात। अरे तो कह रहे हिंदुत्व वोट करेंगे यहाँ तो? हिंदू बिंदू कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम ही ग्रहण को वोट देंगे भाई। सकल नहीं दिखाता हिंदू को, क्या कर लेंगे ऐसे हिंदू का बता? अच्छा, सकल तो दिखाता है क्या? जाट हो? जाट हो? नहीं, ब्राह्मण है। अच्छा, ब्राह्मण है, तो कह रहे भाई, भाई जी तो उस समय मेला था बीजेपी के, थे हमारे बड़े भी 5-4 पीढ़ी था, पर कई ग्रह पर जाएगी वोट, या चाहे स्टाम्प पर लिखवा लो, चाहे 20-50-100 कहीं लिखवा लो, इकरा को देंगे। क्या कारण है जो छोड़ रहे हैं भाई? हमारा सांसद जो है प्रदीप चौधरी जी है, हमें सिकल भी आया नहीं उसकी, जी पता जितना था इनके तो दुख सुख का कैसा भी कुछ भी नहीं करा उन्होंने, पता ही नहीं कैसा हो, हमें तो सिकल की भी नहीं पता। प्रदीप चौधरी देख ही नहीं आज लो, एकरा तो पहली बार मैदान हमारी कर पाओगे प्रदीप की तरफ? दुख सुख का पता ले जा, सड़क बनवाई मेरे गाँव में गड़ूंचे गिरवा दिए, वो तो इतना जाली मैं इंस्टाग्राम पर घेर दिया, पोस्ट हमन करवा रही जी आज नू जितना लग रहा है वो। चलो, हो गया बस आ गई, चलो इधर को देंगे वोट। अच्छा, इधर को दे रहे हैं पक्का? पक्का, अड़क है। आपका नाम? हाँ जी, नाम आपका? संजीव कुमार। अच्छा, हम चुनाव में घूम रहे हैं जी, यहाँ पता कर रहे हैं क्या लग रहा है, क्या चुनाव होगा, क्या माहौल रहेगा अभी इलाके में? यहाँ तो एक राजन बताऊँ मैं जी इतनी। अच्छा, और आप कैसे जिता रहे हैं? मैं यहाँ रहता ही नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ भाई। अच्छा, वोट तो हो गया आपके यहाँ की? हाँ है। अच्छा, बाकी क्या लग रहा है ओवरऑल, अगर आप देखो क्षेत्र में आपके सांसद भी रहे प्रदीप चौधरी जी, कितना विकास होने का? हाँ, प्रदीप चौधरी को बता देना आप, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये बात, मुझे पता है न्यूज में जा आगे। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होगा, प्रदीप चौधरी को फोन करूँ, यहाँ खड़ा दरोगा
मैनू कहें कहने के मेरा फोन ही नहीं ठहरा तो रोगा। अच्छा ऐसे सांसद हैं वे। अच्छा आपने की थी बात। अच्छा मैं कहते सहारनपुर आ जाइए, मैं कहा मेरे दौरे इतना पेट्रोल कहाँ मैं सहारनपुर पे आऊँ। अच्छा इतना बहुत होता मैं इसे ना दे देता 1015 रुपये। तो वो चाह ना जो तुरंत एक्शन लेता हो, लेकिन सांसद मनोवर हसन जो था वो मेरे से ऐसे बात करता था जैसे आप करते हो। अच्छा। काम कभी करो ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन संतुष्टि करता था दिल की, ठीक है। उस लिहाज से मैं तो इकरा को वोट दूंगा, स्पष्ट बात, ठीक है। चाहे मैं वोट कह ना हूँ लेकिन मैं सपोर्टर इकरा का रहूँगा। अच्छा, आज तक कभी मुलाकात नहीं, जिस दिन से मनोवर मर गया था उसके 34 रुपये गया नहीं। घर वालों को गिरवाओगे अगर आप ना आए तो? घर वालों को गिरवाओगे नहीं। अच्छा ये मेरा बेटा है, इसकी मम्मी जो है वह बीजेपी को सपोर्ट करती है। बात हुई थी अभी, विचार हमारे अलग अलग हैं, भले ही घर एक हो। हालांकि होने भी चाहिए भाई, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। क्या सारी दुनिया के चोर हो रही पार्टियों में, बीजेपी में कोई चोर नहीं? कोई पकड़ा गया आज तक बीजेपी का? क्यों हुआ ऐसा? केजरीवाल जैसे आदमी को जेल में डाल दिया है। आप दिल्ली में रहते हो, वो गलती कर राज डल राज जेल में गलती करी उसने, सजा मिल रही उसे, वो अच्छी बात है। हेमंत सोरेन डल गया वो भी अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी में कोई चोर नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहूँ उनसे, बताओ आप। ईडी सीबीआई भेजे जा रही है। मैं योगी का भी फैन हूँ इतना ही जितना मनोवर हसन का था। अच्छा। अच्छी सरकार चलाई बहुत, लेकिन क्या सारे चोर और ही पार्टियों में चले गए क्या? बीजेपी छोड़ गए, बीजेपी में कोई नहीं है चोर। चोर किसी को जेल डाला आज तक उन्होंने? किसी के पीछे ईडी गई? अखिलेश की भी फाइल दे रही, बताओ मैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी जेल गया, बता क्यों नहीं गया? महिला पहलवान धरने पर बैठी थी, मैंने देखा सब, मैं रोज देखू न्यूज। अच्छा, अखबार रोज पढ़ू, रात को भी 1 बजे लो ठल्ली रहूँ। मैं ज्यादा बड़ा लीडर नौकर नहीं हूँ, 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाला हूँ, लेकिन फिर और किसान भी हूँ एक छोटा सा, लेकिन मैं नहीं चाहता किसान को भी कोई चीज़ फ्री दी जा। हाँ अगर उसको सब्सिडी के अनुसार न्यूनतम मूल्य पर दो, बिजली है 500 रुपये ट्यूबवेल कर दो हम उससे, मैं नहीं कहता फ्री मिले, मैं नहीं कहता किसी किसान का कर्ज माफ़ हो, किसी का भी कर्ज माफ़ हो, सरकार में कहाँ से आएगा पैसा, उसे भी तो पैसा चाहिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। मैं फ्री के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ भैया किसी भी चीज़ के लिए। हाँ ये बात जरूर है, किसान को अपनी चीज़ का वाजिब दाम मिलना चाहिए, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलता है, किसानों को भी मिलना चाहिए। हम अभी कैराना लोकसभा क्षेत्र के जिंजाना क्षेत्र में थे, यहाँ पे हमने चुनाव को लेकर बात की आम लोगों से, तो सभी लोगों ने चुनाव के बारे में अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।